बुलेटिन की भोपाल से खबर। पन्ना में बाघ की मौत की मामले में अब एसटीएफ इस पूरे मामले की जांच करेगी। बड़ी खबर, सीएम शिवराज ने पहले ही नाराजगी दिखाते हुए इस मामले में आपात बैठक बुलाई थी, सख्ती के निर्देश दिए थे और बैठक में सीएम शिवराज ने इस पूरे मामले की जांच एसटीएफ को सौंपने की बात कही। बता दें आपको, पन्ना से आज सुबह ही एक खबर आई थी जहां एक बाघ का शव मिला था, लटका हुआ, वो भी बाघ का शव मिला था। हालांकि ये जांच का विषय है कि ये मौत, बाघ की मौत कैसे हुई। आप देखिए, किसी सुसाइड अटेम्प्ट मामले में जब हम अमूमन देखते हैं, जब कोई इंसान फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त करता है, कुछ इसी तरह से फांसी पर लटका बाघ का शव मिला जिससे हड़कंप मच गया। अब इस पूरे मामले की एसटीएफ जांच करेगी। पन्ना में बाघ की मौत के मामले में सीएम शिवराज ने आज आपात बैठक बुलाई थी, नाराजगी भी जाहिर की थी। हम रुक करेंगे संवाददाता सूरज शर्मा का, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, जाहिर है बड़ा हैरान करने वाला है पूरा मामला, सुबह सामने आया था, सीएम शिवराज ने भी नाराजगी जाहिर की थी, अब एसटीएफ जांच करेगी। देखिए, बिल्कुल बेहद ही संदिग्ध और संदिग्ध मामला है। किस तरीके से पन्ना टाइगर रिजर्व में एक जो टाइगर है उसकी मौत हुई और खासतौर से फांसी के फंदे जैसे पेड़ पर लटके हुए शव पुलिस ने जब्त किया, उसको लेकर लगातार खबरें उठ रही थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले में बैठक बुलाई थी, आपात बैठक बुलाई थी। उसके बाद जो खासतौर से ACS है, फॉरेस्ट विभाग के ACS, वो JN कंसोर्टिया पन्ना रवाना हुए थे और आज शाम को बैठक के बाद अब एसटीएफ बनाई गई है इस मामले की जांच करने के लिए, क्योंकि देश में संभवतः पहला ऐसा मौका है जब फांसी के फंदे पर झूलने पर, फांसी के फंदे पर अटकने पर किसी टाइगर की मौत हुई है, तो वाकई कई सवाल वो खड़े करती कि आखिर किस तरीके से टाइगर की मौत हुई या किसी ने मारने के बाद उसको फांसी पर अटका, चुकी सबको अब दफना दिया गया है, 4 से 5 दिन पुराना ये मामला बता रहे थे। तो ऐसे में हर एक पहलू की जांच की जाना जरूरी है और यही कारण है कि सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए एसटीएफ का गठन किया है और इस मामले की जांच करेगी। शुक्रिया जानकारी पहुंचाने के लिए सूरज, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।